देखो वैसे हमने पेंट की मोरी के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए 8 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी बुकरम दी है। इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये कट कर दिया मैंने। इसको मैं ऐसे डिज़ाइन बनाने के हम पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इससे एक लाइन ड्रॉ जाएगी। ये हमारी लाइन बन गई है। अभी इस लाइन के साथ साथ तो हम इस पे पेन से निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अब इसी के साथ साथ हम 1-1 इंच का गैप छोड़ के निशान लगाते जाएंगे पूरी पे, पूरी बुकरम पे ऐसे ही निशान लगाएंगे। पेस्टिंग, ये मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम लिया है। ऐसे ही हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरी पे। इसी तरह से ही हम फोल्ड करके दूसरी तरफ से लाइन लगाएंगे। जैसे हम फोल्ड करके हमारे बीच की जो लाइन लग जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी तरफ से लाइन लगाएंगे। ये हमारे बीच की लाइन लगी। अब हम इस पे यहाँ से स्केल करके लाइन ड्रॉ करेंगे और 1-1 इंच के गैप के साथ साथ बॉक्स बना देंगे पूरे पे, जिससे हमारे बॉक्स बन जाएंगे। देखो फिर मैंने पूरे पे लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसमें बीच का जो बिल्कुल बीच का पार्ट है उसको ऐसे फोल्ड करके इसको बीच में जो बिल्कुल जॉइंट है उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे बीच के बॉक्सेस को। हमने बीच के बॉक्सेस को फोल्ड कर लिया। अब हम इसकी बॉक्सेस की कटिंग करेंगे। मैं बीच वाले में 5 बॉक्सेस लूंगी, 5 बॉक्सेस की कटिंग करूंगी। ऐसे हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे हम इसकी कटिंग करते जाएंगे धीरे धीरे, लाइन टू लाइन कटिंग करेंगे।
बीच के पांच कटिंग कर लिया, अब हम इधर फोर कटिंग करेंगे नेक्स्ट लाइन में। इसके बीच में लाइन फोल्ड कर लेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसके चार बॉक्सेस फोल्ड कटिंग करेंगे। ये हमने चार बॉक्सेस कटिंग कर लिया, अब हम तीन करेंगे, फिर हम दो करेंगे, फिर हम एक ही करेंगे, ऐसे ही करके ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। जैसे हमने ये फोल्ड कर लिया, अब हम यहाँ पे तीन बॉक्सेस की कटिंग करेंगे। हमने तीन बॉक्सेस की कटिंग कर लिया, अब हम दो बॉक्स की कटिंग करेंगे। ये अब हम एक बॉक्स की कटिंग करेंगे। हमने एक साइड के कंप्लीट कर लिया, इसी तरह हम दूसरी इस साइड भी ऐसे ही, पहले हमने पांच लिया, फिर हम चार बॉक्सेस, फिर तीन, फिर दो, फिर एक बॉक्स की कटिंग करेंगे। ये देखो गाइस, मैंने इसके दोनों साइड की कटिंग कर दिया, और जो फर्स्ट एक्स्ट्रा बुकरम थी साइड की उसको भी कटिंग कर दिया। अभी हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। ये देखो गाइस, मैंने इसको पेस्ट कर लिया फैब्रिक पे, हमारे ट्राउज़र वाले फैब्रिक पे पेस्ट किया मैंने इसको। इस पर पेस्ट करके अब हम इसमें बीच में कट लगा के कट लगाएंगे बीच में, ऐसे हम कट लगा के ऐसे हम पूरे पे कट लगा के इसको इस तरह से चिपका देंगे, इसको इस तरह से फैब्रिक ग्लू लेके इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से हम पूरे पे कट करके चिपका देंगे इसका, ये ऐसे तरह। ये देखो गाइस, मैंने इसको चिपका के कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके नीचे अस्तर लगाएंगे मैचिंग का कपड़ा। मैं कुर्ते का ले रही हूँ, जो मेरे कुर्ते का फैब्रिक था उसी को मैं ले रही हूँ नीचे लगाने के लिए। हम नीचे वाले फैब्रिक को इस तरह से नीचे बिछा लेंगे सीधा, हम इसको सीधा लगाएंगे क्योंकि हमें ये बाहर दिखेगा ना इसी, और हम इसी तरह नीचे थोड़ा सिलाई लगा देंगे। ताकि हम जो ये सिलाई लगाए तो ये हिले ना।
मैंने नीचे से अलग लगा लिया। अब हम ये बॉक्सेस स्क्वायर वाले इनके साथ ही बॉक्स अलग लगा लिया। बॉक्स के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे हमें ऐसे इस तरह से। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप ऐसे लगा सकते हैं। देखिए कैसे मैंने कंप्लीट कर लिया है एक बॉक्स। ऐसे ही हम घुमाते घुमाते देखो कैसे हमने थोड़ी फिर स्टिचिंग करके फिनिश कर दिया। अब हम इसके यहाँ पे पट्टी लगाएंगे जो हमने हाफ इंच की जो कम ने कहा था कि भाई हाफ इंच ट्राउजर को छोटा रखना है। ये हमें इसके नीचे हाफ इंच की पट्टी लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। पट्टी लगा देंगे नीचे पूरी पे। ये हमारी पाइपिंग की तरह बन गई है। वो आपकी मर्जी, आप लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो। ये हमारा फिनिशिंग हो गई है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर नए नए डिज़ाइंस के लिए। ये देखिए गाइस।